मान सर ने भी ये बात बोली कि भाई परवरिश के बारे में बोला गया और उन्होंने फलक को पॉइंट आउट करा, पूजा जी को नहीं करा, यू नो व्हाट आई मीन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल राउंडर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट के बारे में। तो फुकरा इंसान ने अपने सेकंड चैनल पे रिएक्ट किया उनके और पूजा भट्ट के बीच में बिग बॉस में जितने भी फाइट हुए थे उनके ऊपर, और इस वीडियो में उन्होंने थोड़ा सा पूजा भट्ट और बिग बॉस मेकर्स को एक्सपोज कर दिया। पहले उन्होंने बात किया कि पूजा भट्ट और फलक दोनों ने उनके परवरिश के ऊपर स्टेटमेंट पास की थी, पर वीकेंड के बार पे सिर्फ फलक को इसके बारे में समझाया गया जबकि पूजा को कुछ भी नहीं बोला गया। और यही नहीं बल्कि पूरे 8 हफ्तों में भी पूजा भट्ट को वीकेंड के बार पे कुछ भी नहीं बोला गया। तो आप देखिए इन सभी चीजों के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान ने क्या कहा। एक्चुअली वाली सिचुएशन याद दी थी कि ये हुई थी कि पूजा जी ने भी परवरिश की बात बोली थी, क्योंकि वीकेंड के बार पे सिर्फ फलक दी को पॉइंट आउट किया गया था कि तुम बात करो तुम मत करो। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई फील पूजा जी को पूरे 8 हफ्ते के वीकेंड के बारे में कभी कुछ नहीं बोला गया। इतनी चीजें भी उन्होंने बोली, जैसे किसी को बोलना छोटे लोग छोटी सोच, फिर किसी को बोलना तुम परवरिश देखो। यही तो बात महेश सर ने बोली थी कि कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन जो थे ना वो समझाने के कम हर्ट करने के ज्यादा थे, मतलब इन लॉट ऑफ सिचुएशंस, लॉट एंड लॉट ऑफ सिचुएशंस। बट वही है भाई, मैं देखो इसमें ना कुछ गलत नहीं कहता, सबकी गलती, सबसे गलती होती है, इंसान है भाई, गलतियां तो करेंगे एंड सीखे अगर उससे तो सबसे बढ़िया तो तभी वही रहेगा ना।